हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं जितेंद्र सर, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर हाजिर हूँ, जो पिछला टॉपिक मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध, ओम का नियम और प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो लेकर के आऊँगा वो सभी के सभी वीडियो में एक कड़ी या लिंक रहेगी। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो अगला वीडियो आपको कम समझ में आएगा। तो दोस्तों, जाकर के हमारे चैनल पर पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। उसमें मैंने ओम का नियम और प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन, किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है और श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, ये मैंने कुल बताया था। और आज उसी श्रेणी संयोजन के आधार पर कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं आपको समांतर संयोजन इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में घंटी को ज़रूर दबा लें, क्योंकि अगर घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं, क्योंकि समय सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था और उसका जवाब एक बच्चे ने दिया है, और जो भी जवाब दिया है वो एकदम एक्यूरेट, सही जवाब दिया है। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आपको कंटिन्यू नियमित रूप से एक क्वेश्चन पर डे दूंगा, और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करें, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दिया करें, ठीक है। और जब आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा वीडियो फेमस होगा। जब वीडियो फेमस होगा तो दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो वैसे भी प्रदान करने की कोशिश करूँगा। और आशा है कि इस बार का UPPCL का जो भी एग्ज़ाम है वो किसी का खाली नहीं जाएगा, और मैं तत्पर मेहनत करूँगा और अच्छी तरीके से वीडियो देता रहूँगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लिखा है कि जब 5/6 ओम के 6 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा जब प्रतिरोध श्रेणी में समान मान के जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल बराबर एक प्रतिरोध का मान गुणे प्रतिरोधों की संख्या। तो इसी आधार पर दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस लाइन को ज़रूर याद रखिए, इस लाइन को मत भूलिएगा। इसी लाइन से आपके श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो R eq बराबर 1 प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 5R/6। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5R/6 गुणे प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 6। इनको दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल हैं, और आपका आंसर हो जाएगा 5R ओम। तो दोस्तों इसका ये आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अच्छे से, ठीक है। नोट्स, एक मजबूत नोट्स आप लोग बनाते रहिए। जब नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और परीक्षा के समय में ये जो नोट्स मैं बनवाऊंगा ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि मैं अब आगे अभी जितना क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर में, इसके बाद मैं चालू करूँगा आपके लिए धमाकेदार 100+ ट्रिक। तो टेक्निकल की ट्रिक मैंने देखी है कि आज तक किसी भी टीचर ने कहीं भी और किसी भी बुक में नहीं लिखी है। मैं आपको 100+ ट्रिक बताऊंगा कि टेक्निकल में भी ट्रिक होती है, और ट्रिक से आपकी तैयारी, जो तैयारी आप 2 महीने में 4 महीने में करेंगे वो तैयारी आपकी 15 दिन में ही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी परिपथ में 100 प्रतिरोध, ठीक है, और प्रति एन ओम का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये हो गई प्रतिरोधों की संख्या, ठीक है, और एक प्रतिरोध का मान कितना है, एन ओम है, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
चलिए दोस्तों, परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको, एक प्रतिरोध का मान। तो एक प्रतिरोध का वैल्यू कितना है, एन, इंटू प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो गई, 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 N। देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बड़े आसानी से निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब 27 ओम, 25 ओम और 12 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जब एक प्रतिरोध 27 ओम का, एक 25 ओम का और एक आपका 12 ओम का जुड़े गए, तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़े गए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी क्रम में आर ई क्यू जो होता है, जब भिन्न भिन्न प्रतिरोध होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट आर एन, जब बहुत सारे हैं तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले कितना 27, फिर लिख सकते हैं 25, इसके बाद लिख सकते हैं 12 और इक्वल टू इनको सबको जोड़ लीजिए, 7 7 14 की 4 हासिल में 1 1 2 2 4 2 6 64 आया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि 27 ओम से अधिक, ठीक है, इसके कुछ चांस बन रहे हैं। यहाँ 12 ओम से कम, ये तो एकदम नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा आंसर 64 आया है। फिर लिखा है 30 ओम से कम, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 64 आया है। फिर यहाँ लिखा है 25 से कम, तो ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब इनको आप नोट कर सकते हैं आसानी से स्क्रीन को रोक करके। ठीक है दोस्तों, रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिरोध का समांतर संयोजन, प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर संयोजित किया जाए तो किस प्रकार से इनको हम संयोजित करेंगे और किस प्रकार से इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल और बताई हुई थ्योरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट और बारीकी से हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा और इससे तो बेहतर है कि मैं आपको जो समांतर क्रम बताने जा रहा हूं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल उसी में लोगों के फंस जाते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं और परेशान होते हैं कि उनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो मैं आज आपको एक आधुनिक और नया तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि यहाँ आज आपको पढ़ना है प्रतिरोध का समांतर संयोजन। सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। जैसे कि कल मैंने बताया था कि प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, या तो समांतर में या फिर श्रेणी में। ये आपकी हेडिंग है नंबर 2 और पिछले वीडियो में मैंने नंबर 1 हेडिंग बताई थी, प्रतिरोध का कौन सा श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में था, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपके पास दो या दो से अधिक या बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो उनको हम लोग किस प्रकार से संयोजित करते हैं देख लीजिए दोस्तों। जैसे ये मार्कर है तो यहाँ पर इस हिसाब से मैंने अगर जोड़े और इनके ये सिरे, इन सिरों को आपस में संयोजित कर दिया और संयोजित करने के बाद कुछ इस पोजीशन में लिए। ठीक है, जब इस पोजीशन में लेंगे तो ये क्रम हो गया आपका कौन सा, ये क्रम हो गया समांतर क्रम। अगर इनको उठा करके ऐसे जोड़ दिया जाए, इस पोजीशन में अगर इनको जोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारे घर में जो टॉर्च होती है, ठीक है, या बैटरी इसको कुछ लोग कहते हैं, उसमें जो सेल डाली जाती है वो होता है श्रेणी क्रम। तो ये है प्रेजेंट टाइम में श्रेणी क्रम। अगर इनको इस हिसाब से जोड़ दिया जाए, ठीक है, इस हिसाब से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा कौन सा क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, तो जब प्रतिरोध एक एक समान या भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को कुछ इस पोजीशन में जोड़ा जाए कि उनके एक साइड के सभी सिरे और दूसरी साइड के सभी सिरे एक साथ संयोजित हो जाएं कुछ इस पोजीशन में, ठीक है दोस्तों,
तो ये पोजीशन क्या बतलाती है कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है या जब विभिन्न प्रतिरोधों को इस स्थिति में जोड़ा जाए कि इनमें वोल्टता का मान समान हो, जब विभिन्न प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा जाए कि उनमें वोल्टता का मान समान हो, यहां से लिखेंगे इसकी परिभाषा, जब विभिन्न प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित किए जाएं, कि इनमें वोल्टता का मान कैसा हो, वोल्टता का मान समान तथा धारा अलग-अलग हो, तो यह संयोजन कैसा होगा, समांतर संयोजन होगा। तो यह संयोजन समांतर संयोजन होगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं R1 R2। ये दोस्तों जैसे यहाँ तीन प्रतिरोध हैं तो इनको इस क्रम में लिखिए R1 R2 R3। अब इनके बीच में जो वोल्टेज होगी ये कैसी होगी, तीनों की वोल्टता होगी एक समान, जबकि यहाँ पर इक्विवेलेंट करंट है कितनी I, और इनमें तीनों में आपकी करंट जो धारा होगी I1 I2 और यहाँ पर I3। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जिसको हम KCL कहते हैं, क्या KCL, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का पॉइंट लॉ, इस नियम के अनुसार यहाँ से धारा विभाजित हो जाती है। प्रथम धारा यहाँ से ऊपर चली जाती है, द्वितीय इधर चली जाती है, तृतीय इधर, और यहाँ पर हो जाती है ये इक्विवेलेंट करंट। अब देखते हैं कि इसमें समांतर संयोजन में जो प्रतिरोध है वो किस हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसको तोड़ा गया हम उसी को जोड़ेंगे। यही बात मैंने आपको श्रेणी में भी बताई थी कि जब हम सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वहाँ पर वोल्टता का वैल्यू अलग अलग हो, करंट का या धारा प्रवाह का मार्ग जो है वो एक ही होता है। परंतु इसमें क्या होता है, धारा प्रवाह का मार्ग अलग अलग परंतु वोल्टता का मार्ग केवल एक, या वोल्टता केवल सबके लिए एक समान होती है। तो यहाँ जिसको तोड़ा गया उसी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या परिपथ की कुल धारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, I1 I2 I3 IN, अगर और बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो। ठीक है, अब ओम के नियमानुसार, ओम ने क्या कहा था, ओम के नियमानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू होता है V/R। तो हम लिखेंगे यहाँ पर I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 V/R1, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए बराबर है। ठीक है, I2 बराबर क्या लिख सकते हैं, I2 V/R2, और I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R3। इनके सबके वैल्यू इस वाले समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा V/R=V/R1+V/R2+V/R3+VN। तो यहाँ से V को कॉमन ले लिया जाता है, तो V को कॉमन लेंगे तो 1/R इधर बचेगा, यहाँ से V को कॉमन लेंगे तो 1/R+1/R2+1/R3+ यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 1/R(n), और इस वाली भी से ये वाली भी हो जाएगी कैंसिल, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R1+1/R2+1/R3+1/RN। तो जब बहुत सारे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो
तो हम इस हिसाब से इनको संयोजित कर सकते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के तरीके कुछ अलग हैं, हम आपको फार्मूला से निकाल करके दिखाएंगे, इसके बाद बिगर फार्मूला के भी निकाल करके दिखाएंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर सरल भी क्वेश्चन है तो आपको एक मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि वहाँ परीक्षा में जो है समय का अभाव होता है बहुत ज़्यादा, तो हमको कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड में करना होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि बिगर फार्मूला के हम इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे तोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि जब केवल परिपथ में दो ही प्रतिरोध संयोजित हों, जब दो प्रतिरोध संयोजित हों तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर ई क्यू बराबर 1/R1 + 1/R2। इस हिसाब से अब इनको एक बार में हमको कैसे लिखना है, 1/R इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 + R1/R1 R2। अगर इनको डायरेक्ट ही याद किया जाए, क्योंकि ये चीज़ परीक्षा में पूछी गई इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आर ई क्यू R1 R2 / R1 R2, ये फार्मूला डायरेक्ट ही पूछा गया है परीक्षा में। तो दोस्तों याद रखना, जब परिपथ में केवल दो ही रेजिस्टेंस संयोजित किए गए हों तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जब परिपथ में तीन प्रतिरोध संयोजित किए गए हों तो हम एक ही बार में कैसे निकाल सकते हैं, आर ई क्यू बराबर R1 R2 R3 / पहले दूसरे का मल्टीप्लाई R1 R2, फिर दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई R2 R3, फिर तीसरे और पहले का मल्टीप्लाई R3 R1। तो इस हिसाब से हम तीन प्रतिरोध अगर समांतर में संयोजित हैं तो हम इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये तीन प्रतिरोध के लिए है, ये दो प्रतिरोध के लिए है, हम इससे भी आपका कैलकुलेशन करके हम आंसर दिखाएंगे, परंतु हमारा कुछ तरीका अलग है। मैं आपको इससे भी निकाल करके दिखाऊंगा, इनसे दोनों से निकाल करके दिखाऊंगा, उसके बावजूद भी मैं आपको एक अलग एडवांस तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाएं, चलिए दोस्तों यहाँ मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए देखिए आप हमारे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब यहाँ लिखा है कि जब 10 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 5 प्रतिरोध, 10 ओम के 5 प्रतिरोध समान प्रतिरोध हैं, 10 ओम के 5 प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में, ठीक है, 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब समान प्रतिरोध हों और उनकी संख्या दी गई हो, कोई भी एक प्रतिरोध का मान दिया गया हो और उनकी संख्या दी गई हो, और सभी प्रतिरोध एक समान जब हों और समांतर क्रम में दोस्तों संयोजित किए जाएं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, एक प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोधों की संख्या। मैंने अभी आपको श्रेणी क्रम में क्या बताया था, जब सीरीज पोजीशन होती है तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा में इनको लिखते हैं। जब समांतर क्रम होता है तब हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध का वैल्यू रखेंगे और हम क्या करेंगे, उनकी संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 10/5 = 2 ओम आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आया। अगर मान लो कि ये आप भूल गए, किस हिसाब से हमको इसको करना है, अगर ये भूल गए तो हम आपको एक नया और तरीका बताते हैं। तो ये 10 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 5, तो हम इस 10 को 5 जगह लिख लेंगे, ठीक है, तो 10 को 5 जगह लिखे, अब इनका सबका क्या लेंगे, LCM, ठीक है, LCM कितना आएगा, 10 आएगा, इनका सबका LCM 10 आया। अब इस वाले 10 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इस वाले 10 का इसमें भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, इस वाले 10 का इसमें भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, सबका एक एक बार भाग जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको सबको क्या करेंगे, इनका सबका करेंगे क्या, योग, किसका करेंगे, ये 1 1 1 1 कुल मिलाकर के ये कितने हो गए, 5, इनका योग बराबर हो गया 5, इसी योग से यहाँ पर हम भाग दे देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा कितना,
2 ओम। ये दोस्तों आपका नया तरीका है, अगर आप भूल जाते हैं तो इस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, जब एक्स ओम के एन प्रतिरोध ठीक है समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस पोजीशन में ये ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ ये क्या है एक्स ओम के प्रतिरोध, यहाँ कितने थे 10 ओम के प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या रेजिस्टेंस की संख्या 5 थी, यहाँ रेजिस्टेंस की संख्या कितनी है एन है। तो यहाँ पर आपका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, एक्स बटे एन, यही आपका दोस्तों आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है किसके लिए, एच डब्ल्यू के लिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ठीक है दोस्तों, अभी और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं भी तुरंत आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों देखते हैं कि यहाँ कुछ और न्यूमेरिकल हैं और इनको हम शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि किस हिसाब से इसको फार्मूला और बिगर फार्मूला दोनों प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जब 4 ओम के 5 प्रतिरोध, सॉरी 4 ओम व 5 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जब 2 प्रतिरोध पैरेलल में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मैं आपको 2-3 तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले टाइप 1, ज़्यादातर लोग इसको कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 1/r = 1/4 + 1/5। इसके बाद करते हैं 1/r = इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ करते हैं 5, यहाँ करते हैं 4, दोनों का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो r का वैल्यू है इनको उलटते हैं, जब उल्टा करेंगे तो ये r बराबर हो जाएगा कितना, 20/5/4/9। ये जवाब इसका यहाँ पर आएगा। ये तरीका पहला था। अब दूसरा तरीका, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आर ई क्यू, जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या R1 R2 / R1 + R2, ऐसे इनको लिखा जा सकता है। तो R1 R2 ये हो गया तुम्हारा R1 और ये हो गया R2, यहाँ लिखी लिखिए इसको, R1 हो गया 4 और ये हो गया 5, दोनों का योग कितना 4 + 5 = ये हो जाएगा 20/9, ऐसे भी आपका आ जाएगा। तीसरा तरीका आपको बताते हैं, जो टाइप 3 है ये सबसे अच्छा है, इसमें आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो तीसरे टाइप में इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, 20। ठीक है, अब इस 4 का इसमें भाग देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 का इसमें देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इनका दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर योग करेंगे, और ये पोजीशन लागू होती है केवल प्रतिरोध के समांतर क्रम में। ठीक है, याद रखेंगे ये पोजीशन केवल लागू होती है प्रतिरोध के समांतर क्रम में और कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, संधारित्र के श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में, इन दोनों का योग हो गया 9। आपका आंसर दोस्तों यही है। देखिए जरा, तीनों कंडीशन में आपका आंसर इक्वल आया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये विधि बहुत ज़्यादा सरल और समझ में आई होगी। अगर इस पोजीशन में यहाँ 2 के स्थान पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, चाहे जितने प्रतिरोध आ जाएँ इस हिसाब से निकालेंगे तो कुल सब के सब सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया, दिए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं इसमें, ये नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं ये नहीं समझ में आता है, इसको यहाँ से जोड़ दिया गया, ठीक है, और फिर इसको उठा करके इधर से इधर जोड़ दिया गया और ये सीधा चला गया, तो ये क्रम कौन सा है। तो इस क्रम में सबसे ज़्यादा घबराते हैं और क्वेश्चन को छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो क्रम यहाँ पर बनाया गया है ये समांतर क्रम है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में सभी सभी के सभी अभी इस पोजीशन में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ नीचे लगा दिया जाए, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक यहाँ लगा दिया जाए, तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये केवल और केवल कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 यहाँ 6 लिख लेंगे और यहाँ 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो इनका हम तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 6 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो गया, 30, और 3 7 हो गया 21, ये हो गया 210 आपका हो गया एलसीएम। अब आगे, तो 5 का इसमें हम
भाग देंगे तो 42 आएगा 42, ठीक है। और जब 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 का आएगा 35, 35, और जब 7 का भाग देंगे इसमें, ठीक है, तो 6 5 30 आएगा। अब क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करके आपस में इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, ये 7 हो गया, ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, और 4 3 7 3 10 107 हो गया। अब यही आपका आंसर हो सकता है, या फिर हम क्या करेंगे 107 का 210 में भाग दे देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से भी इसको निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका, मैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा, तो ये हो जाएगा आपका R1 R2 R3 बटे, और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है किससे, पहला दूसरा, R1 R2 R2 R3 R3 R1, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से आ जाएगा। ऐसे अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 3 प्रतिरोधों को एक त्रिकोण में संयोजित किया जाए और प्रत्येक प्रतिरोध समान मान कितने वैल्यू का है, 4 ओम का है, तो इस त्रिकोण के किन्हीं दो कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बोला गया है कि हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं और तीनों को कैसे जोड़ा गया है, एक त्रिकोण में जोड़ा गया है, और इनमें इस त्रिकोण में किन्हीं दो कोणों के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ए और बी दो कोणों में मैंने ए और बी लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका बन गया, यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया, ये कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, तो ये यहाँ से आए ऐसे, ये हो गया एक श्रेणी क्रम, वायर से ये जुड़े हुए हैं तो ये श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को क्या किया जाता है दोस्तों, सीधे जोड़ लिया जाता है, ठीक है, तो सीधे जोड़ लिया जाता है। तो ऊपर वाला आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाले रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा 8, नीचे वाले का हो जाएगा 4, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये दोनों के दोनों प्रतिरोध, ये वाला और ये वाला, कैसे हो गए दोस्तों, समांतर क्रम में। अब हम पोजीशन कौन सा लगाएंगे, 8 और 4, यहाँ पर एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, 8 का इसमें भाग देंगे एक बार, 4 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ करके यहाँ 3 का भाग दे देंगे। अब 3 का जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6 2 बचा 2 बटे 3, ठीक है, इस हिसाब से इसको लिखा जा सकता है, यही आपका है आंसर। थैंक यू फॉर माय वाचिंग दोस्तों, कैसा हमारा वीडियो लगा आपको, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा तो यही है कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।